नमस्कार, मैं मानस मिश्रा और न्यू न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बड़ी खबर आ रही है दाऊद इब्राहिम को लेकर के, जिस दाऊद इब्राहिम को एक तरह से अब तक हमारी देश की खुफिया एजेंसी पुलिस आईबी सब कुछ लगभग एक तरह से कहें अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, पकड़ा नहीं गया तो फेल हो गई थी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर आ रही है दाऊद इब्राहिम को एक तरह से इनकाउंटर वाली। वो क्या खबर है, कैसे दाऊद इब्राहिम का भाई सिकंजे में चढ़ा था और कैसे उसको ठोका गया है, उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज एनसीबी ने जो कारनामा किया, वो कारनामा वाकई में एक तरह से दाऊद इब्राहिम को इनकाउंटर वाली ये खबर है। वहीं इस बीच दूसरी खबर आ रही है जो खबर वाकई में आपको कहीं ना कहीं जोश में भर देगी, क्योंकि नीरव मोदी, आपको याद होगा नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे कितने भगौड़े थे जो भारतीय बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे, उन पर एक बड़ी खबर आ रही जिसमें 137 करोड़ रुपये जो थे बैंकों के, वो बैंकों के खातों में यानी बैंक को वापस आ चुके हैं और नीरव मोदी को सीधे तौर पर इस पर यहां पर उसको ठोका गया एक तरह से नीरव मोदी को। तो लिए चलता हूं खबर की तरफ और आप सबसे पहले ये बताएं कि आज दाऊद इब्राहिम के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, क्या अब जो हमारे देश का एक तरह से विपक्ष ये कहेगा कि यूपी में चुनाव आ रहे इसलिए सब कुछ हो रहा है, दाऊद इब्राहिम को लाया जा रहा, धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्मांतरण पर सवाल किया जा रहा है, इन सबके पीछे आप अगर कोई सरकार की साजिश है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ इस तरह से लोग पर कार्रवाई हो रही है और दाऊद इब्राहिम के जैसे लोग ठोके जा रहे हैं, तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने लोगों तक हो सके पहुँचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देश में राष्ट्रहित चैनल बहुत कम ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे पड़े हैं जो पैसे कमाने के चक्कर लिए देश को भी कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथों बेच चुके हैं। तो लिए चलता हूं खबर की तरफ। पहले शुरुआत करूंगा मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरफ। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आप जानते हैं, उसका सबसे बड़ा जो बिजनेस है, सबसे बड़ा उसका व्यापार है, वो है जिस प्रकार से ये ड्रग्स का, ड्रग्स के चंगुल में उसने मुंबई को पूरे फंसा रखा था और अभी भी ड्रग्स का कहीं कारोबार जो है वो सबसे बड़ा मुंबई में वो दाऊद इब्राहिम ही बैठ के दुबई या पाकिस्तान के लाहौर में बैठ के कराची में बैठकर वो अभी भी उस पर हैंडल करता है। और उसका मेन मुखिया जो था वो उसका भाई इकबाल कास्कर है, जो पूरे उसके बिजनेस का टेक ओवर करके रखा हुआ, पूरे बिजनेस की देखरेख करता है। और उसको लेकर के एनसीबी ने आज जो बड़ी कार्रवाई की है उस तरह से एक तरह से ये कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम के इनकाउंटर वाली एक तरह से बात हो चुकी है। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के एनसीबी ने ड्रग्स सप्लाई के मामले में उसे उठाया है। कुछ दिन पहले एनसीबी ने चरस के 2 कंसाइनमेंट पकड़े थे, आप अगर आपको खबर मिली होगी, लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है, उसके बाद जिसमें करीब 25 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। उसके बाद उस जांच करना शुरू किया जो एनसीबी ने, तो जब एक एक पत्ते खुलने शुरू हुए तो बात जा पहुंची दाऊद इब्राहिम तक। और दाऊद इब्राहिम वाकई में मुंबई में जो भी चरस और गांजे जितने प्रकार के ड्रग्स के धंधे होते हैं वो दाऊद इब्राहिम भी करता है। जांच के दौरान इस सबके बीच में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के तरह जुड़ने की आशंका जताई गई थी और इसी वजह से एनसीबी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को सुबह सुबह जाकर के उठा लिया। अब कहानी क्या थी, जब दाऊद इब्राहिम का भाई कास्कर उठाया जाएगा तो पाकिस्तान भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग, मुसलमान जो तथाकथित मुसलमान है, जो मुसलमानों के रहनुमा अपने को आपको बताते हैं, वो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और वो बौखला गए। उनको लग रहा था कि अब तो हमारा भाई गया और दाऊद इब्राहिम जो 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का सैकड़ों गुनाहगारों का जो कहीं ना कहीं सैकड़ों माफ कीजिएगा सैकड़ों लोगों के जो गुनाहगार है मौत का, वो अब पूरी तरह से उनके लोग पूरी तरह से फंस गए हैं। मैं आपको बता दूं ये मामला पूरा तरह से गौरतलब है, ड्रग्स के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जिसे कहते हैं ने प्रोडक्शन वारंट का इकबाल कास्कर को कस्टडी में लिया है। हाल ही में एनसीबी ने चरस के 2 जखीरे बरामद किए थे जिन्हें पंजाब से कुछ लोग कश्मीर लाया गया था।
और उसके बाद इसमें करीब 25 किलोग्राम चरस पकड़े गए थे। इस मामले में जांच के दौरान एनसीबी ने अंडरवर्ल्ड के तार मिले थे, इसी वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई को यहां पर उठाया गया था। इस मामले में आपको बता दें टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। इस मामले में जाँच के दौरान एनसीबी को टेरर फंडिंग के ड्रग्स सप्लाई के लिए अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़े अहम सुराग मिलने लगे थे। इसलिए इस बुनियाद पर एनसीबी ने मुंबई के कई जगह पर छापेमारी की थी, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद कनेक्शन सीधे दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का जुड़ गया, जिसके बिना पर ठाणे जेल में एक इकबाल कास्कर को एनसीबी ने रिमांड पर ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरी खबर, जिस खबर में आपको आज कहीं ना कहीं एक दिन में मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जिस मास्टर स्ट्रोक में आपको दिखा रहे हैं कि माल्या चौकसी और नीरव मोदी के 9371 करोड़ रुपए की जो बैंक जो संपत्ति थी वो बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है। जी हाँ साहब, बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है, यानी कि जो अब तक पूरा का पूरा गोरख धंधा चल रहा था कि यहाँ पैसे बनाओ, बैंकों से लोन लो और भाग जाओ, और वो यहाँ का विपक्ष ये कहता था कि हाँ मोदी सरकार ने इस प्रकार से कुछ गलत चीज़ें कर रखी हैं, लोगों से पैसा लेकर लोग बचाते, लेकिन देश के बैंक घोटालों के मामले में सरकार एक्शन में अब नज़र आ दिखने लगी है। जो एक्शन तक लिया था बैंक धोखाधड़ी के आरोप में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को 9371 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकारी बैंकों में ट्रांसफर कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों भगोड़ों की संपत्तियाँ जो थी वो धोखाधड़ी के चलते हुए नुकसान की भरपाई की जा रही है। यहाँ पर 9371 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है, वो भी किसके साथ, वो बैंकों को दे दिया गया है वापस, यानी कि जो बैड डेब्ट के रूप में बैंकों के पैसे डूबे हुए थे वो बैड डेब्ट को अब राइट डेब्ट में बदला, मतलब राइट चीज़ में आ जाएगा और वो पैसा वापस आ जाएगा और ये अब बैलेंस शीट में शो करने लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक हो या जितने बैंकों के साथ धोखाधड़ी है, पूर्वतन निदेशालय ने ट्वीट करके कहा है कि पीएमएलसी के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 18,170 करोड़ रुपए की बैंक की कुल संपत्ति लगभग 80.45% की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही 9371 करोड़ रुपए की कुर्की जब्त संपत्ति हिस्सादार जो सरकारी बैंक और केंद्र सरकार के उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। ईडी ने यह भी कहा कि विजय माल्या और पीएनबी किन बैंक धोखाधड़ी में लगभग 40% राशि पीएमएलए के तहत जब्त की गई है और शेयर बिक्री में जरूरी वसूली की गई है। ईडी ने यह भी कहा कि माल्या को उधार देने वाले गठजोड़ की ओर ऋण वसूली न्यायाधिकार डीआरटी के ने बुधवार को यूनाइटेड ब्रेजविच लिमिटेड यानी UBL के 5,800 करोड़ रुपए के अधिक शेयर बेचे गए, जिसके एजेंसी के पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया। ईडी ने यह कुर्की माल्या के खिलाफ आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में यहां पर की है। तो यहां पर इसके अलावा ईडी ने कहा कि मुंबई में विशेषकर पीएमएलए अदालत के निर्देश पर उस ऊपर उसने जब्त किए गए शेयर जो है UBL के हैं लगभग 6,000 करोड़ रुपए शेयर के, वो SBI की अगुवाई में गठजोड़ को उसको सौंपा गया है और उसके बाद DRTA ने यह कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने कहा कि विजय माल्या जो है भगोड़े हीरा व्यापारी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो PNB घोटाले में शामिल थे, वो सार्वजनिक बैंकों में उनकी संपत्ति के जरिए धन हेराफेरी करके धोखा दिया, जिसके चलते बैंकों ने 22,585 करोड़ रुपए का वहां पर नुकसान हुआ। इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।